हकीकी दीन इस्लाम को ज़िंदा किया, ताज़ा किया, रिफ्रेश किया, रिफॉर्म किया, रेनू किया, तो कैसे किया? अब इसके लिए एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। देखिए, कुरान के माना एक होते हैं और कुरान की मुराद एक होती है। कुरान के माना कुरान के ज़ाहरी इल्म रखने वाले बयान कर सकते हैं और मुराद सिर्फ मासूम अनिल खता हस्ती बयान कर सकती है, या तो साहिब कुरान हो यानी हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या फिर उनका खायम मुखाम ताबे ताम अतम महदी हो जो कुरान की मुराद बयान करे कि इस आयत से मुराद क्या है। वैसे ही अहादीस शरीफा में भी बहुत सी अहादीस ऐसी हैं कि उसके ज़ाहरी माना सुन लेते हैं और समझते हैं कि इसके माना और मतलब यही हैं, लेकिन उसकी भी मुराद होती है। अहादीस में भी अहादीस के माना की भी मुराद होती है। महदी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को हलाकत से बचाया, वस्ते उम्मत में आकर हुजूर अकरम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चले, जैसा कि हदीस में भी आया है कि अल महदी मिन्नी यखफू असरी वला युख्ती, महदी मुझसे होगा, मेरे कदम ब कदम चलेगा, मेरे बिल्कुल कदम, मेरे जहां कदम पड़े वहीं कदम, यानी बिल्कुल वही काम करेगा जो मैं कर रहा किया हूँ, वला युख्ती और ख़ता नहीं करेगा, मासूम अनिल ख़ता। तो महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस्लाम को, हकीकी दीन इस्लाम को रिफ्रेश किया, कैसे किया, इसके लिए एक छोटा सा वाक़या। अल्लाह के ये खलीफे महदी आखिरुज़्ज़मा जब तशरीफ़ लाए तो दुनिया में हर तरफ हलाकत, खानखाहें मौजूद, नमाजें मौजूद, ज़कातें दी जा रही थी, हज किए जा रहे थे, सब कुछ था, लेकिन हकीकी दीन इस्लाम, रूह इस्लाम, मग़्ज़े इस्लाम जो अल्लाह की इबादत के एवज़ में बदल में मिलती है, वो अल्लाह की ज़ात, वो नहीं था। तो महदी अलैहिस्सलाम की दावत की वजह से कैसे मिला? एक मरतबा का वाक़िया है, हुज़ूर महदी माऊद अलैहिस्सलाम मिसवाक कर रहे थे, मिसवाक सूखी काड़ी से की जाती है, महदी अलैहिस्सलाम सूखी काड़ी से मिसवाक कर रहे हैं। देखिए आप सिचुएशन, और उसके लिए ज़रा डूब जाइए इश्क में, मंजर को देखिए, मंजर के अंदर डूब जाइए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या प्यारी बात है। कुरान की मुराद बयान करने वाली हस्ती हदीस की मुराद को कितने प्यारे अंदाज में बयान कर रही है। महदी अलैहिस्सलाम मिसवाक कर रहे हैं और सूखी काड़ी से कर रहे हैं। महदी अलैहिस्सलाम से आपके खलीफे चहरुम हज़रत बंदगी मियाँ सैयदना शाह निज़ाम दरियाए वहदत आशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कोई मामूली हस्ती नहीं, मुल्क जायस के बादशाह थे, लेकिन हाफिज़ कुरान थे, अहादीस पर ज़बरदस्त अबूर रखते थे। महदी अलैहिस्सलाम ने बशारत दिया कि विलायत के शमा, ये विलायत के शमा है मियाँ निज़ाम, ऐसे शमा, ऐसे कैंडल हैं कि इनसे कई कैंडल और कई शमा जलेंगे। वो इल्म का समंदर हदीस पढ़ी हुई वो हस्ती हज़रत शाह निज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महदी अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि मीरान जी, बंदे ने अहादीस में पढ़ा है, गौरतलब बात है, बंदे ने अहादीस में पढ़ा है कि जब महदी की बेसत हो जाएगी तो महदी की बेसत होने की वजह से सूखे दरख्त, ड्राई ट्रीज जितने होते हैं, वो हरे भरे हो जाएंगे। महदी आए मैजिक की और हरे भरे हो गए, जाहिर हदीस में यह चीज है मौजूद। हजरत शाह निज़ाम दरियाए वहदत आशाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो पढ़े थे उसको बयान किया, क्या कि मीरान जी, बंदे ने अहादीस में पढ़ा है कि महदी जब दुनिया में आ जाएंगे, महदी आएंगे तो महदी की बरकत से सूखे दरख्त हरे भरे हो जाएंगे। महदी अलैहिस्सलाम सूखी काड़ी से मिसवाक कर रहे थे, वो काड़ी को फौरन लिया, जमीन में गाड़ दिया, आनन फानन उससे मोल के फूट फूटे और वो हरी भरी हो गई। उसके बाद महदी अलैहिस्सलाम फरमाएं कि मियाँ निज़ाम, ये काम मैजिक करने वालों का, बाजीगरों का, जादूगरों का है। हदीस में जो आया है उससे मुराद ये है कि दिलों में इश्क इलाही के जो दरख्त हैं वो खुश हो जाएंगे, महदी की बेसत और दावत दीदार की वजह से वो
हरे भरे हो जाएंगे। यानी यूं समझ लो कि मेहदी जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो लोगों के पास सिस्टम तो होगा, लेकिन जो इश्क इलाही का दरख्त अनस्टॉल कर दिया गया था, मेहदी आकर उसे इंस्टॉल कर देंगे और उसमें हरा भरा हो जाएगा।